मुआवजा तो मिला। राहुल गांधी तो अपना पेपर से रोटी सेकने के लिए बोल रहे हैं। 381,000 रुपए मुआवजा मेरा बना था, जो पूरा का पूरा मेरे अकाउंट में आया। मुआवजा तो मिला, कोई ये नहीं कह सकता पूरे अयोध्या में कि मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा तो मिला। राहुल गांधी तो अपना पेपर से रोटी सेकने के लिए बोल रहे हैं। अब विपक्ष में बैठे हैं, उनको एक कोई ना कोई फर्जी का मुद्दा चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष में बैठ के वही सब जो फालतू का काम है वही सब अब बोलेंगे, नहीं तो करेंगे क्या? वो अपना रोटी सेकना चाहते लेकिन उस सबसे कोई मतलब नहीं है। अयोध्या में जितना विकास हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ होगा। देखिए आज 7 लाख पब्लिक आ रही है डेली अयोध्या में, और विकास ना हुआ होता तो कैसे आती? एयरपोर्ट बना, स्टेशन बना, अयोध्या राम मंदिर बना। चौड़ीकरण तो भाई जरूरी था, क्योंकि पहले बहुत पतली पतली गलियां थी, आज चौड़ी हो गई, और जरूरी भी था चौड़ीकरण होना। एकदम संतुष्ट हैं, बहुत खुश है। इतना बस हम लोग को मुआवजे से क्या मतलब, राम मंदिर बन गया यही बहुत बड़ी खुशी है। मेरा नाम आकाश गुप्ता। राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं है, राहुल गांधी कभी यहाँ पर आए नहीं हैं, तो क्या मालूम ना यहाँ से, यहाँ वालों से कभी मिले हैं तो हम लोग को मालूम है ना, सारे व्यापारी को मालूम है, मुआवजा सारे लोग को मिला है, सब लोग खुश हैं। यहाँ की इनकम, इनका व्यवसाय सब बहुत बदल चुका है, बहुत बढ़िया हो गया, हम लोग बहुत खुश हैं। योगी के नाते योगी ने चौड़ा किया, विकास किया, आज पर्यटक बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, व्यवसाय बढ़ गया सबका। क्या एसीओ के जो मकान मालिक हैं उनको 60, हमको 40, सबको इसी तरह मुआवजा मिला है। उनको नहीं मालूम है, वो नफरती बयानबाजी देने में वो शुरू से माहिर हैं, वो उनको मालूम नहीं कि क्या मिला। हम लोग संतुष्ट हैं। जितेंद्र कुमार गुप्ता। राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि अयोध्या में क्या हो रहा है। राहुल गांधी संसद में बैठ करके राजनीति करते हैं, वो तो केवल दुनिया को दिखाते हैं, एसी बस में चल करके वो यात्रा कर रहे हैं। अयोध्या वासियों की जो सही दशा है अभी तो उन्होंने देखा ही नहीं, ना तो उन्होंने बताने का प्रयास किया। राहुल गांधी को ये मुआवजा नहीं मिला, ये गलत कह रहे हैं। हाँ, ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ से कुछ ना कुछ गलतियाँ जरूर हुई होंगी, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन मुआवजा नहीं मिला ये कोई बात नहीं है। मुझे ही देख लीजिए आप, 381,000 रुपये मुआवजा मेरा बना था, जो पूरा का पूरा मेरे अकाउंट में आया, वो भी डायरेक्ट। आज ये जान लीजिए कि जो भक्ति पथ के जो आप दशा देख रहे हैं, यहाँ पर जो सड़कें चौड़ी देख रहे हैं, मुआवजा भी मिला, व्यापार भी बढ़ा, सारी बातें हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये भी नहीं पता है, वो हिंदू को, असली हिंदू और नकली हिंदू के चक्कर में वो आज उनके पास आज मेजोरिटी ज़्यादा है तो वो कुछ भी कह सकते हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं ना इसीलिए। लेकिन वास्तविक रूप से हिंदू धर्म का जो पालन हो रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। नहीं, मुआवजा सबको मिला, हर व्यक्ति को मिला, हर समाज को मिला, और जितना दुकानदार हैं सबका भैया मिला। लेकिन ये बात कुछ ना कुछ तो परेशानी होत है, परेशानी का मतलब ये बात, सब आदमी जियत खाते हैं, 10 आदमी अगर क्यों यक्के भी तरह ओके घर ना चला गए उसे ना मतलब, बस सबका मुआवजा मिला है। नहीं नहीं, सबका मिला, सबका मिला, कई कहत ना मिला, सबका मिला, संपूर्ण ढंग से मिला, और जितना मिले चाहिए उसे कई गुना ज़्यादा, भगवान रामचंद्र जी के भरोसे सब अच्छे से कामात खात बस, सब अच्छा व्यापार कर दो। अभी मोदी जी के योगी जी के दिए ना आई कि ना, इनके ब्याह शादी कहाँ होएगी, जो हो गया ब्याह शादी इनके, ये इनके राहुल गांधी के ब्याह हुआ ना हो। हाँ, इसे बोले थे इनके बोली में करूँ लगाम ना, कब का बोल जाए। हमारा नाम शिव कुमार मोदनवाल।